नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद राहुल उपाध्याय में। तो दोस्तों, मैंने ट्रिक की वीडियो डाली हुई है, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बहुत सारे। आज ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम, विभाज्य के नियम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये किसी वन डे एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे। अभी जैसे पिछला यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था तो उसमें दो क्वेश्चन थे बिल्कुल ऐसे सेम। लेकिन वे होंगे कब? वे होंगे जब आपको विभाज्य के नियम याद होंगे। ये नंबर सिस्टम का चैप्टर है, उसमें से है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको किसी बुक को खोलोगे आपको उसमें मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन लिख रखा भाई मैंने 157*234। यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। अब देखो इसकी जगह पूछा है इसने क्या आएगा यहाँ पर, यदि यह संख्या पूरी 3 से विभक्त है। तो हम पहले एक एग्जाम्पल लेंगे भाई, जैसे 312, 142 कोई भी संख्या ले लो। अब देखो 3 से विभक्त होने का नियम क्या होता, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। अब देखो अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा सीधा नहीं, इसे डायरेक्ट करेंगे। पहले हम इसमें चेक करेंगे कि ये संख्या पूरी 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। वो कैसे करेंगे, इनका योग ज्ञात करेंगे पहले हम। तो 3, 4, 5, 6, 6, 1, 7 7 4 11 11 2 13। अब मुझे बताओ 13 क्या दोस्त 3 से डिवाइड होगा भाई? नहीं होगा। तो बिल्कुल सेम सवाल है यहाँ पे। तो ऐसे हम इसके अंकों का योग निकाल लेंगे पहले, और योग चेक करेंगे कि अंकों से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसमें उसी हिसाब से संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे हम। ठीक है, अब देखो 5 और 1 6, 6 7 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22। अब मुझे नो बताओ भाई 22 क्या 3 से डिवाइड होगा पूरा भाई? नहीं होगा। तो क्या होगा, 22 23 नहीं हो सकता, 24 नहीं हो सकता। तो इसमें हम दो ऐड करेंगे, 24 होगा जब यह संख्या जाकर हमारी 3 से डिवाइड होगी। तो इससे हमने ज्ञात कर लिया भाई स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 2 हमारे क्या जाएगा आंसर। ये विभक्त के नियम पर आधारित सवाल होते हैं भाई। मैं आपको किसी दिन पूरे 1 से लेकर 10 तक की संख्या के विभक्त के नियम लिखवाऊंगा, वे आपको याद करने हैं। आज हम फिलहाल 2-3 क्वेश्चन करेंगे ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आते हैं, जैसे 3 पर आधारित आ गया, 9 पे आ गया, 11 पे आ गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई हम, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो भाई केवल हम इसे मिटा लें यहाँ पर, इस संख्या को पूरा सवाल मिटाने की कोई जरूरत नहीं, हमें सेम सवाल है भाई पूरा। अब देखो यहाँ संख्या चेंज करेंगे हम केवल, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे यहाँ आ गया भाई 671*483। यदि 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। देखो 9 का और 3 का सेम नियम होता है भाई, अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो वो ऐसे एग्जाम्पल ले लेंगे भाई हम, जैसे 234 हो गया, 113 हो गया। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 9 से डिवाइड डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे पहले अंकों का योग करेंगे हम इनका। तो देखो भाई 2, 3, 5, 5 और 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब मुझे नो बताओ भाई 14 क्या 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो यूँ पूरी संख्या भी किससे, 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब अपने सवाल पे चलते हैं भाई। अब इनका योग करेंगे हम पहले, 6 और 7 13 और 1 14, 6 6 12 13 14 14 4 15, 15 8 15 3 18 और 18 8 26। अब मुझे 9 बताओ क्या 26 पूरा डिवाइड होगा 9 से? नहीं होगा। तो किससे डिवाइड होगा भाई, ये 9 3 27। देखो इनके अंकों का योग चेक करेंगे भाई पहले सही से, 600 देखो एक बार, 671 और 483 सही है। देखो भाई ऐड गलत हो गया, दिखे हमारा ये 6 और 1 7 7 14 14 4 18 19 20 21 21 8 29, योग गलत हो गया हमारा, 26 नहीं 29। ठीक है, अब देखो 29 क्या 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अब 29 से ऊपर चेक करेंगे हम कौन सी संख्या डिवाइड होगी 9 से,
30 भी नहीं होगी, 31 भी नहीं होगी, 32 नहीं होगी, 33, 34, 35, 36, 6 जोड़ना पड़ेगा हम इसमें, 7, 7 जोड़ेंगे हम इसमें तो 36 होगा ये, तो 9 चौक 36, तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी या किससे, 9 से। तो हमें स्टार के स्थान पर क्या पता चलेगी भाई, यहाँ पर स्टार के स्थान पर यदि 7 है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, मिटाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल एक ही लैंग्वेज में सारे सवाल हैं। देखो भाई, इसे मिटा लो भाई यहाँ से, और इस संख्या को मिटा दो यहाँ से, और यहाँ पे चेंज कर दो बस। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 3926 स्टार 926 है, 75 स्टार 2, यदि संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है तो क्या होगा भाई, तो स्टार के स्थान पर बताओ। देखो भाई, 8 का एक नियम होता, लास्ट 3 डिजिट, यदि पीछे के 3 अंक 8 से डिवाइड हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। देखो एग्जांपल देख लो भाई इसका, जैसे हम लिख लें यहाँ पे, देखो अब यू 8 से डिवाइड करनी है हमें, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं करेंगे हम इसे पूरी, कभी 8 से डिवाइड करने लग जाओ, ये बाजी पर बड़ी बड़ी संख्या आती है बहुत, तो हमें क्या देखना, 8 के नियम में पीछे के 3 अंक देखने हैं, यदि ये पीछे के 3 अंक 8 से डिवाइड होंगे तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, 8 × 5 = 40, कितना बचा भाई, 5 × 3, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, तो क्या होगा भाई, ये 3 अंक डिवाइड नहीं हो रहे तो पूरी संख्या क्या होगी भाई, ये 8 से डिवाइड नहीं होगी। आपको ऑप्शन मिलेंगे इसमें, ऑप्शन की मदद लेनी है भाई। ठीक है, जैसे इसमें ऑप्शन ले लो भाई, 1, बी ऑप्शन ले लो 2, सी ऑप्शन ले लो 3, और डी ऑप्शन ले लो 4। ठीक है, ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो मुझे नू बताओ भाई, यदि हम 8 से डिवाइड करें पीछे के 3 अंक, तो हमें क्या रखना पड़ेगा स्टार के स्थान पर। देखो भाई, सबसे पहले 1 रख के देख लो, स्टार के स्थान पर हमने रख लिया 1, ये हो गया हमारा 512 भाई, 512 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, कितना बचा 3, 8 × 4 = 32, तो पूरी संख्या भाई 8 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे हमें पता चलेगी क्या आ गया भाई, स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारा, 1। अब आप आगे चेक करने के लिए 2 रख के देख लो भाई, 522, 8 से कर लो, 8 × 6 = 48, कितना बचा भाई 4, और 8 × 5 = 40, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इसका नहीं होगा भाई, ये है, ये तीनों गलत ही हैं। ठीक है, तो आपको 8 का नियम भी समझ आया होगा भाई, उम्मीद करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे भाई। अब यहाँ से इसे मिटा दो भाई, और यहाँ पे इसे, ठीक है, बार बार सवाल लिखेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैं इसे मिटा रहा हूँ बस, केवल जो मतलब की चीज़ है उसे रखेंगे। ठीक है, अब देखो, 6 * 3 = 5 * 3 = 5 = 6 * 2 = 4, यदि 356 = 24, यदि हमारा 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। ठीक है, तो स्टार के स्थान पर पूछिए। देखो भाई, 11 का नियम क्या होता, 11 का नियम सबसे इम्पोर्टेंट होता। ठीक है, 11 का उम्मीद है कि 90-95% जो सवाल आता है वो 11 पे ही आता। ठीक है, अब देखो 11 का नियम कैसे समझेंगे, पहले समझेंगे अपना एग्जाम्पल, उसके बाद सवाल पे आएंगे। जैसे आ गया भाई 312 और 512। ठीक है, देखो नियम क्या होता है इसका, सम विषम अंकों का योग बराबर या अंतर 11 का गुणज। 11 का गुणज कैसे है, मतलब 11 के मल्टीपल पे संख्या बैठनी चाहिए, जैसे 22 हो गया, 33, 44, 55, 66, ऐसे। ठीक है, सम विषम देखेंगे हम पहले। देखो 3, 2, 5, 5 और 1 6, तो इनका अंकों का योग कितना आ गया भाई 6,
पाँच और एक छः और छः दो आठ। यहाँ पे देखो सम विषम अंकों का योग बराबर बैठ रहा भाई, नहीं बैठ रहा। इनका अंतर 11 का गुणज बैठ रहा, नहीं बैठ रहा। अंतर बैठ रहा इनका दो, दो क्या 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। ऐसे अब अपने सवाल पर आ जाओ भाई। स्टार 3 5 6 2 4, अब इनके सम विषम अंकों का योग करेंगे भाई। 6 3 9 9 4 13, देखो इनका योग आ गया 13। अब इसे जोड़ देंगे भाई 5 4 9। अब 9 में मैं क्या जोड़ूं जो इनका योग हो जाए 13 भाई। 9 में क्या जोड़ना चाहिए जो इनका योग 13 हो जाए? तो क्या जोड़ेंगे भाई हम, 4 4 ही जोड़ना पड़ेगा ना भाई। देखो सम विषम अंकों का योग देख लो, 6 3 9 और 9 और 4 13, ठीक है। देखो ये हमने गलत कर दिया भाई, इस पे ऊपर से हमारी संख्या ये बच रही है ना, 5 और 2 7। अब 7 में क्या जोड़ा है जो हम 13 हो जाए? हमने 4 ले लिया था भाई, ये सम का आए, ठीक है। अब देखो 1 3 5 2 4 6, ठीक है सम विषम। अब देखो 5 और 2 7, अब हमें इनका अंकों का योग 13 करना और हमारे अंकों का योग आ रहा है यहाँ पे भाई 7। अब 7 में क्या जोड़ूँ मैं जो 13 हो जाए? तो 7 में क्या जोड़ूँ मैं, 6। जब भी तो सम विषम अंकों का योग बराबर होगा भाई, 13 बराबर 13। तो इस स्टार के स्थान पर पता चल गया हमें क्या रखना पड़ेगा भाई, हमें 6। जब भी हमारी पूरी संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। ऐसे ही आपको भी बहुत सवाल करवाने हैं मुझे, पहले मैं आपको डिवाइड के नियम समझाऊंगा पूरे सारे, ठीक है। उसके बाद हमारे 4 5 क्वेश्चन बच रहे हैं भाई, जैसे 2 पे हो गया, 5 पे हो गया, 7 पे हो गया, ठीक है, 10 पे हो गया, ऐसे सवाल बचे हैं हमें। वे मैं आपको जब करवाऊंगा भाई, जब मैं आपको डिवाइड के पूरे रूल लिखवा दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो हमारी भाई खूब ट्रिक वाली, अच्छी अच्छी क्वेश्चन वाली प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे। वीडियो को, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।